नोटबंदी के बाद हुए सबसे बड़े चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत, 10 महानगर पालिकाओं में से 8 में बीजेपी का परचम। बीएमसी में जीत को सीएम फडणवीस ने बताया जनता का आशीर्वाद, कहा हम बीएमसी में अब 31 से 81 पर पहुंच गए हैं। 10 महानगर पालिकाओं में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन से सीएम फडणवीस गदगद, कहा अपने दम पर जीत रहे हैं 9 नगर पालिका। बीएमसी चुनाव में शिवसेना को 84 सीटें, बीजेपी 81 सीट जीतकर दूसरी बड़ी पार्टी बनी। नागपुर, नासिक, सोलापुर और अकोला में भी बीजेपी आगे, पिंपरी चिंचवाड़ में बीजेपी ने एनसीपी को किया पीछे। अमरावती और उल्लासनगर में भी बीजेपी की जीत, पुणे में दूसरे नंबर पर शिवसेना और तीसरे पर पहुंची कांग्रेस। चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह, मुंबई में पार्टी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बीजेपी की भारी जीत पर कार्यकर्ताओं ने मनाई दिवाली, जमकर पटाखे फोड़े, पार्टी दफ्तर पर भारी भीड़। बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ताओं में झड़प, शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए थे। बीजेपी की जीत पर नितिन गडकरी का बयान, केंद्र और राज्य सरकार के काम पर जनता ने लगाई मुहर। बीजेपी नेता विनोद तावड़े का शिवसेना पर निशाना, कहा बीजेपी की 40 सीटों की औकात नहीं, बोलने वालों को मुंबई की जनता ने जोर का तमाचा लगाया। बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बनने पर शिवसेना में जश्न, सेना भवन के बाहर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। चुनाव के नतीजे आने के साथ ही मुंबई में मातोश्री पर गहमा गहमी बढ़ी, शिवसेना के कई बड़े नेता पहुंचे। शिवसेना नेता मनोहर जोशी ने साफ किया, उद्धव और राज नहीं आएंगे साथ। मुंबई में कांग्रेस के प्रदर्शन की संजय निरुपम ने ली जिम्मेदारी, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, कहा भीतर घात की वजह से हारे चुनाव। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस में अंतर्कलह शुरू, नारायण राणे ने मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम पर निशाना साधा। पंकजा मुंडे को अपने ही घर में झटका, पर्ली की सभी सीटें एनसीपी के खाते में, पंकजा मुंडे ने इस्तीफे की पेशकश की। महाराष्ट्र की करारी हार से कांग्रेस झल्लाई, सुरजेवाला ने कहा 12 लाख वोटरों के नाम कटवा दिए थे इन चुनावों में बीजेपी। बीजेपी की सीट पर राव साहब धनवे ने किया डांस, कहा नोटबंदी का विरोध करने वालों को मजा चखा दिया महाराष्ट्र। बीएमसी की जीत पर किरीट सोमैया का बयान, कहा विकास और पारदर्शिता को चुना है मुंबई के लोगों ने, सबको साथ लेकर चलेंगे। महाराष्ट्र की जीत पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बयान, कहा यूपी में भी ऐसे ही जीतेंगे और ऐसा ही बुरा हाल होगा कांग्रेस का। यूपी में चौथे चरण की वोटिंग खत्म, 55% से ज्यादा वोटिंग का अनुमान। इलाहाबाद में पश्चिम बंगाल के गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी ने किया मतदान, लोगों से मतदान करने की अपील। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और सिद्धार्थनाथ सिंह ने इलाहाबाद में डाला वोट, बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार अदिति सिंह ने की वोटिंग, दोनों ने किया जीत का दावा। यूपी में फतेहपुर के जहानाबाद में यूपी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नरेश उत्तम ने की वोटिंग, अखिलेश की अगुवाई में सरकार बनने का किया दावा। यूपी के झांसी में दिव्यांग ने किया मतदान, कहा प्रदेश के विकास के लिए की वोटिंग। महोबा के मतदाताओं में भारी उत्साह, विदाई से पहले दुल्हन ने की वोटिंग। झांसी में बड़ी संख्या में वोट देने पहुंच रही हैं महिलाएं, इलाके की पानी बिजली की समस्या को लेकर वोटिंग की गई। झांसी में पानी की समस्या से परेशान लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार भी किया, पीने के पानी के लिए 15 साल से तरस रहे हैं। अखिलेश पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा गधे से नफरत अखिलेश जी को शोभा नहीं देता, यूपीए सरकार ने इन्हीं गधों पर किया था डाक टिकट जारी। पीएम मोदी का अखिलेश पर हमला, शुभ काम में गायत्री मंत्र का होता है जाप, लेकिन चुनाव में दो नेता जप रहे हैं गायत्री प्रजापति का मंत्र। पीएम ने कहा 13 मार्च को विजय की होगी होली, यूपी में पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। बलरामपुर में अखिलेश यादव का पीएम पर निशाना, कहा विकास कार्यों पर बहस के लिए है तैयार। अमेठी की रैली में राहुल का पीएम मोदी पर वार, पीएम ने अमेठी से छीना फुटपाथ। महाराजगंज में अमित शाह का विरोधियों पर निशाना, कहा यूपी में शपथ लेने की रात बंद होंगे सारे कत्लखाने, जमीन हत्याने वालों को लटकाएंगे उल्टा। अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला, राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर में फर्क नजर नहीं आता क्योंकि इटालियन चश्मा पहने। अमित शाह पर मायावती का हमला, कहा पूरा देश जानता है अमित शाह से बड़ा कसाब कोई नहीं है। राजनाथ का राहुल अखिलेश पर हमला, राहुल खाट से उतरे अब साइकिल पर बैठे, मुलायम सिंह ने पहले ही साइकिल को पंचर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बलिया के सिकंदपुर में बीजेपी नेता वेंकैया नायडू का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा देश आगे बढ़ा यूपी क्यों नहीं। 27 फरवरी को पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में राहुल और अखिलेश का रोड शो, वाराणसी में 8 मार्च को वोटिंग। गुरुवार को गुजरात विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों के बीच मारपीट, इस मारपीट में एक मंत्री और 2 विधायक घायल हो गए।
किसानों की आत्महत्या के सवाल पर जवाब मिलने से कांग्रेसी विधायक सदन में हंगामा कर रहे थे, तभी दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के गश्ती दल पर आतंकी हमला, 3 जवान शहीद, 3 जवान घायल। सर्च ऑपरेशन के बाद लौट रही सेना पर हुआ हमला, आतंकियों की गोली से एक महिला की मौत। दिल्ली में छात्र संगठन आयसा ने आज दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने प्रदर्शन किया और आज भी आजादी आजादी के नारे लगाए। दिल्ली के रामदास कॉलेज में हुए हंगामे पर FIR दर्ज, कल ABVP और आयसा के कार्यकर्ताओं में हुई थी झड़प। रामजस में देश विरोधी नारे पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा DU को JNU बनाना चाहते हैं आयसा वाले। दिल्ली के खालसा कॉलेज में आज होने वाला इवेंट स्थगित, यूनिवर्सिटी में विवाद की वजह से इवेंट स्थगित किया गया। यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे बिहार कांग्रेस के नेता ब्रजेश पांडे अभी भी फरार, पॉक्सो के तहत केस दर्ज। बीजेपी ने सुशील मोदी की मांग, ब्रजेश पांडे और मेवालाल की गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी होने तक बीजेपी सदन में मुद्दा उठाती रही। बिहार सेक्स रैकेट कांड पर कांग्रेस में बगावत, विधायक रामदेव राय ने कहा कांग्रेस के नेता की बेटी की इज्जत की जो दुर्दशा हुई उसका जवाब कौन देगा। सेक्स रैकेट में फंसे कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडे पर अशोक चौधरी ने कहा ऐसी घटना से पार्टी की छवि होती है खराब। गृह मंत्रालय का अहम फैसला, विदेश मंत्रालय के तर्ज पर शुरू होगी ट्विटर सेवा, शिकायतों का निपटारा किया जाएगा, साइबर एक्सपर्ट की टीम बने। भोपाल में सिमी आतंकियों के एनकाउंटर की स्वतंत्र एजेंसी से नहीं होगी जांच, जांच की मांग को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज किया। इंदौर में आवारा पशुओं को पकड़ने गई टीम पर पशुपालकों का हमला, चाकू से गोद कर नगर निगम कर्मी की हत्या कर दी। जौनपुर के शाहगंज में बच्ची के विवाद में हुई मारपीट के दौरान एक युवक की मौत, 2 लोग घायल। लखनऊ में दबंगों का कहर, पुरानी रंजिश में 5 साल की बच्ची की हत्या, परिवार के 4 सदस्यों को घायल किया। यूपी के बुलंदशहर में युवक की गला घोटकर हत्या, युवक के शव की अभी तक शिनाख्त नहीं, पुलिस ने जांच शुरू की। शाहजहांपुर में सड़क के किनारे मिली एक महिला की लाश, रेप के बाद हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। झारखंड के धनबाद में फल व्यापारी से 3 लाख की लूट, बैंक के काउंटर से बैग लेकर फरार हुआ चोर। यूपी के कानपुर में रेलवे का अंडर पास हुआ डैमेज, कुछ दिन पहले ही हुआ था निर्माण, दिल्ली हावड़ा रूट प्रभावित हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर में 5 लुटेरे गिरफ्तार, हथियारों के साथ मिली लूट की 2 गाड़ियां, मास्टरमाइंड के पास बीटेक की डिग्री। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 2 साल की बच्ची के साथ दुराचार के बाद हत्या, आरोपी युवक हुआ गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बड़वानी में युवक ने कलेक्टर परिसर में खुदकुशी की, खुदकुशी के कारण की जानकारी नहीं। झारखंड में सीएम रघुवर दास से नहीं मिलने दिए जाने पर पलामू के छात्र संगठनों ने काला बिल्ला लगाकर नारेबाजी की, विरोध के दौरान लाठीचार्ज। महागठबंधन के विधानमंडल दल की बैठक में बोले नीतीश, विपक्ष की बातों में कोई सच्चाई नहीं, बजट सत्र में विधायक बढ़ चढ़ कर लें हिस्सा। पीलीभीत स्कूल जा रहे 11वीं के छात्र को ट्रक ने कुचला, हादसे के बाद ड्राइवर फरार, पुलिस ने दर्ज किया मामला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार पर हमला, बिहार में सरकार की देखरेख में चल रहा है अवैध शराब का कारोबार। अंबाला में इंडियन नेशनल लोक दल का प्रदर्शन, SYL नहर के मुद्दे पर राज्य के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन। उधम सिंह नगर में अवैध रूप से ले जाई जा रही 13 पेटियां अंग्रेजी शराब जब्त, सैकड़ों बोतल बियर की मिली। बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी का आरोप, BSSC पेपर लीक कांड में SIT आरोपी को बचाने की कर रही है कोशिश। नोएडा में सड़क हादसा, कार अनियंत्रित होने की वजह से अमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र की कार डिवाइडर से टकराई, छात्र की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में बीजापुर में पुलिस को बड़ी सफलता, 8 माओवादियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल। मध्य प्रदेश के दमोह में डॉक्टरों की हड़ताल, मारपीट करने के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। 9,000 करोड़ के कर्जदार भगौड़े विजय माल्या ने जांच एजेंसियों पर उठाए सवाल, एक इंटरव्यू में कहा सरकार के इशारे पर काम कर रही है CBI। 2 राजनीतिक पार्टियों के बीच बन गया हूँ फुटबॉल। टेलीनॉर इंडिया को खरीदेगी भारतीय एयरटेल, टेलीनॉर इंडिया के 7 सर्कल्स के ऑपरेशन का करेगी अधिग्रहण। अब 1 साल से भी कम हो सकती है ग्रेच्युटी की सीमा, अभी 5 साल तक काम करने के बाद मिलती है ग्रेच्युटी, लिमिट भी बढ़कर होगी 20 लाख। जी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। इंश्योरेंस कंपनियों ने की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रीमियम बढ़ाने की मांग, ज्यादा क्लेम से घाटा बढ़ने का दिया हवाला, अभी 12 रुपए में मिलता है दुर्घटना बीमा। मामूली बढ़त के साथ बंद हुए शेयर बाजार, सेंसेक्स 28, निफ्टी 13 अंक ऊपर। पूरे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 9 विकेट पर 256, स्टार्क 57 रन बनाकर नॉट आउट। उमेश यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, विराट ने पहली बार 28वें ओवर में उमेश से गेंदबाजी करवाई। ऑस्ट्रेलिया के 9 में से 5 विकेट स्पिनर्स के नाम रहे, अश्विन जडेजा ने 2-2 विकेट लिए, जयंत यादव ने शॉन मार्श का विकेट लिया।
पूर्व ऑस्ट्रेलिया स्पिनर शेन वॉन ने विराट को बताया दुनिया का नंबर एक बैट्समैन। बोले विराट में दिखता है रिचर्ड, सचिन और लारा का मिश्रण। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सदस्य शर्जील खान और खालिद लतीफ ने फिक्सिंग में शामिल होने से इनकार किया। पीएसएल के दौरान दोनों पर लगे हैं आरोप। पाकिस्तान के लाहौर में डिफेंस इलाके में रेस्टोरेंट में बम ब्लास्ट, 7 लोगों की मौत, 19 लोग हुए घायल। सिंगापुर के टीओएस वेस्ट मैनेजमेंट प्लान में भीषण आग लगी, कई किलोमीटर दूर तक दिखी आग की लपटें। चीन में दो लोगों ने बचाई खिड़की से नीचे लटक रही लड़की की जान, ग्रिल में फंस गया था लड़की का सिर। चिली में जंगल की आग को बुझाने का काम तेज, 2500 हेक्टेयर के नए इलाके में फैली आग, 3000 लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाने की चुनौती। इराक के मोसुल में इराकी सेना का आईएस के कब्जे वाले एयरपोर्ट पर हमला, पश्चिमी मोसुल में करीब 5 लाख आम नागरिकों के फंसे होने का खबर। महेश मांजरेकर की मराठी फिल्म रूबिक्स क्यूब के म्यूजिक लॉन्च इवेंट पर यूलिया को नजरअंदाज करते दिखे सलमान, इवेंट पर यूलिया का डांस परफॉर्मेंस। संजय दत्त से परेशान है रणबीर कपूर, अपनी बायोपिक पर बन रही फिल्म में संजय दत्त की दखलंदाजी की खबरें, रणबीर कर रहे हैं संजय दत्त का रोल। टाइगर जिंदा है फिल्म के लिए नवाजुद्दीन की ना, अपकमिंग फिल्म मुन्ना माइकल और मंटो की डेट का दिया हवाला। सलमान खान की खास दोस्त एमी जैक्सन को मिला ब्रिटिश फिल्म का ऑफर, दबंग 3 में भी नजर आ सकती हैं। टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म के नाम का मजाक उड़ाने से अक्षय बेपरवाह, कहा लोगों को अटपटा लगने से नहीं पड़ता फर्क। वीडियो के जरिए अक्षय कुमार का फैंस को मैसेज, अक्षय ने बताए आयुर्वेद के फायदे। करीना कपूर के साथ दोबारा काम करना चाहते हैं डायरेक्टर विशाल भारद्वाज, ओंकारा में हुई थी करीना की एक्टिंग की तारीफ।